ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत कंपेलिंग सब्जेक्ट है, और मैं बहुत दिनों से मेरी ये चाह थी कि ये फिल्म रिलीज़ हो, लेकिन शायद रिलीज़ नहीं होगी, पता नहीं, लेकिन ये स्क्रीनिंग हम लोगों ने रखा है विदाउट एनी कार्ड्स, विदाउट एनीथिंग फॉर द मेंबर्स ऑफ द मामी फिल्म क्लब. सो वी आर होपिंग आवर मेंबर्स रियली एंजॉय. नहीं, मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो इफ देयर इज अ रिलीज प्लान, पर ये प्रीमियर स्क्रीनिंग है मुंबई में. रिलीज प्लान क्या है मुझे पता नहीं. एक्चुअली मैं आई बीन वेरी बिजी एज यू नो, दंगल के सेलिब्रेशन वगैरह चल रहे थे, तो आई रियली हैवंट पेड मच अटेंशन टू दिस स्क्रीनिंग. हमारी अभी मामी की टीम बहुत ज़बरदस्त हो गई है और वो लोग सब प्लानिंग खुद कर लेते हैं, और मैं एक्चुअली इन्वाइटी हूँ आज, ऐसे ही आई हूँ टू ग्रेस द ओकेजन. तो आई डोंट रियली नो हु एल्स इज कमिंग एंड हाउ मेनी पीपल आर कमिंग, बट हमारी ये इनिशिएटिव है, ये हमारा काम है कि हम अच्छा सिनेमा सब तक पहुँचाएँ, और हर हफ्ते हर महीने हम लोग यही कोशिश करते हैं कि ऐसी फिल्में लाएँ जो शायद यहाँ रिलीज़ ना हो, या फिर हम पहली स्क्रीनिंग हमारे मेंबर्स के लिए रखें. तो हम मुंबईकर्स को ख़ास तौर से ये इनविटेशन देना चाहते हैं कि प्लीज़ बिकम अ मेंबर ऑफ द मामी फिल्म क्लब, यू गेट टू वॉच ग्रेट फिल्म विद अस. थैंक यू. नहीं, एक्चुअली फाइनली मुझे, मैं बहुत पहनती हूँ ये बैग रिसेंटली, क्योंकि जब से मैंने ख़रीदा है, मुझे एक बैग मिल गया है जिसमें मेरी सारी चीज़ें ठीक से फिट होती हैं. तो मैं बहुत लेज़ी हूँ, ज़्यादा चेंज करती नहीं हूँ लाइफ में, तो इसी को काम पे भी ले जाती हूँ, उसी को मैंने टंगा के आज भी ले आया है कुछ यू नो कन्वीनियंस के लिए. आज़ाद भी, हाँ, हम एक्चुअली थोड़ा ये स्कूल बैग स्टाइल मैं आज़ाद को कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ. बड़ा स्टाइलिश भी. हाँ, आपने देखा होगा बड़ी सी दाढ़ी रखी है आमिर ने, तो पता नहीं, एक्साइटिंग है. मुझे भी बहुत ज़्यादा पता नहीं है, देर आमिर आदि एंड विक्टर काफ़ी मिलते रहते हैं, तो आई विश आई वॉज ऑल्सो इन ऑन दोज मीटिंग्स, बट आई एम नॉट मच ऑफ द टाइम. देखते हैं क्या होता है. बहुत इंटरेस्टिंग अब तक तो जो देखने को मिल रहा है आमिर के लुक में, इंटरेस्टिंग है, पता नहीं क्या होगा फाइनली.